हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। अभी कुछ ही देर पहले आईपीओ ने अपनी एक वेबसाइट पे एक नोटिफिकेशन जारी किया है, एक बार देख लेते हैं उसकी तरफ भी। ये रहा वो नोटिफिकेशन। ये रहा, देखिए इसके अंदर आईपीओ ने ना ये कहा है कि जैसे जो भी हमारी काउंसलिंग चल रही थी और वेरिफिकेशन चल रही थी हमारे डॉक्यूमेंट्स की, जो भी हमारे कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उसकी डेट जो आज 11/7/2022 को ख़त्म होनी थी, उसको आईपीओ ने आगे एक्सटेंड कर दिया है। दिया देख सकते हैं आप, एक्सटेंशन हो गई उस डेट की। तो अब ये डेट हो गई है 14/7/2022। सो अगर किसी बच्चे ने अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर अपनी काउंसलिंग फीस ना भरी हो, तो उसके पास एक और मौका है, एक और चांस है, अभी भी वो भर सकता है। वैसे तो उम्मीद करता हूँ आप सबने पहले ही भर दिया होगा। ये रहा अपना कोड, सीटी कोड 128, ये जो बीटेक लेटरल एंट्री का होता है, ये भी है इसके अंदर। तो आपको बताता हूँ ये डेट। तो ये जो डेट थी, ये पहले 11/7/2022 थी जो इनका पिछला वो था, नोटिफिकेशन थी। तो अब इसको बढ़ाकर 14/7/2022 कर दी गई है। और एक चीज़ और, जो ये आपको नॉन रिफंडेबल फ़ीस भरनी है ₹1000 की, तो इसको आप भर दीजिए। और बस यही है कि 2-3 दिन का टाइम आगे एक्सटेंड हो गया है। हालांकि हम सब रिजल्ट का वेट कर रहे थे, तो वो तो अभी तक आया नहीं, लेकिन ये नोटिफिकेशन आ गई है। सो किसी भी बच्चे ने ऐसे अगर ना करी हो, वैसे तो उम्मीद है कि सबने करी दी होगी। सो ये उनके लिए है कि ताकि वो अपनी कर दें। अच्छा, और कुछ बच्चों का डाउट आ रहा था कि हम अपनी मार्कशीट कौन सी अपलोड करें, तो मार्कशीट यहीं कहूँगा, वहीं पर अपलोड करें जिस चीज़ का आपका रिजल्ट आ चुका है। एक सेकेंड दिखा देता हूँ, जैसे इसके अंदर जाके करते हैं हम। ये रहा हमारा। अच्छा, आप जब अपनी काउंसलिंग कर लेंगे, अपनी फीस भर देंगे, तो आपको कुछ ऐसा शो होगा, इसके नीचे ये भी लिखा हुआ है कि अपनी नोटिफिकेशन देखते रहे और वेबसाइट को भी देखते रहें कि आपको पता चल जाए कि चॉइस फिलिंग कब आ रही है। बहुत जल्दी उम्मीद है कि ये भी आ जाएगी, जैसे सब कुछ आ ही चुका है, बस रिजल्ट ही आना बाकी है और उसके बाद चॉइस फिलिंग। सो आप जब अपनी फीस वगैरह भर देंगे, सब काउंसलिंग कर लेंगे, तो आपको एक ऐसा कंफर्मेशन पेज शो होगा आपकी यहाँ प्रोफाइल में, तो ये सब आप देख सकते हैं। और अपने जो भी आपकी मार्कशीट्स वगैरह होंगी, तो मार्कशीट्स एक बार देख लेना कि जो भी आपका रिजल्ट आ चुका है, उस उसकी मार्कशीट भरनी है आपको। जैसे मेरे केस में, मैं अपीयरिंग था, तो मेरा फोर्थ सेमेस्टर तक का रिजल्ट आया हुआ था, तो मैंने फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक की मार्कशीट अपलोड करी है। तो अभी मेरा फिफ्थ और सिक्स्थ का रिजल्ट अवेटेड है, सो मैंने उसकी मार्कशीट नहीं अपलोड करी। लेकिन अगर आप पास आउट्स हैं, तो आप उस अपना है प्रोविजनल भी अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप अपनी अगर सारी मार्कशीट अपलोड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एक बार चेक कर लेना जो भी अपलोड कर रहे हो, क्योंकि इसके बाद मेरे ख्याल से तो नहीं होगा कि आपको दोबारा मौका मिलेगा कि आप उसको चेंज कर सकें। सो एक बार सब देख लेना, अपनी कैटेगरी अच्छी तरह चेक कर लेना, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लेना। और ये जब आप ₹1000 फीस भर देंगे, तो आपके पास ये आ जाएगा यहाँ पे कंफर्मेशन पेज पे कि आपने ₹1000 की फ़ीस भर दी है। तो अच्छा, इसके साथ साथ कुछ बच्चों को ये भी था कि कहीं 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 किसी को दिक्कत आ रही है, किसी की फ़ीस नहीं भरी जा रही, किसी के डॉक्यूमेंट्स अपलोड में दिक्कत आ रही है। तो एक बार ही अपने जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, उसको एक बार ही साइज़ चेक कर लेना कि जो भी साइज़ उसमें मांगा गया है, तो उसी साइज़ का ही हो। और उसका फॉर्मेट अच्छी तरह चेक कर लेना, जैसे जो आप फोटो अपलोड कर रहे हैं उसका JPG है या फिर JPEG है। क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि JPEG नहीं लेती वेबसाइट और JPG मांगा जाता है वहाँ पे, तो एक बार वो सब चेक कर लेना। और उसके बाद अगर फिर भी कोई आपको दिक्कत आ रही है आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, या कोई भी दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पे एक देखो, यहाँ पे एक लिंक है एडमिशन ग्रीवेंसेस करके, तो इस पर क्लिक करेंगे आप, तो इधर आपको एक ईमेल मिलेगा, एक ईमेल एड्रेस मिलेगा। तो आपको कोई भी दिक्कत आए, तो आप एक ईमेल लिख के उसके साथ स्क्रीनशॉट वगैरह अटैच करके आईपीओ को ईमेल कर सकते हैं। सो इसका भी रिजल्ट आ जाएगा आपको, जो भी आपका होगा। सो इसका वो आपको रिजॉल्व कर देंगे इशू आपका, एंड उसको देखा जाएगा इशू का आपके। एक बार ये और देख लेते हैं उसको, नोटिफिकेशन को जो आज आया है।
ये रहा एक्सटेंशन करके है अपनी, सब कैटेगरी अच्छी तरह देख लेना और सब अपनी डेट्स वगैरह, अपनी जैसे तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ है, फादर नेम है, मदर नेम है, एड्रेस है, सब जो जो आप डालो एकदम ठीक डालें, क्योंकि शायद वो आगे चेंज ना ही हो। और आप जब अपलोड कर देंगे तो उसके बाद ये 15/7 तक की डेट है, तो वो डॉक्यूमेंट्स के वो होगी, वेरिफिकेशन होगी। एंड इसमें ये सब लिखा गया है कि सारा कि मतलब आपको कैसे डालने डॉक्यूमेंट्स और किस किस को मिलेगा, अगर कोई आर्मी से है तो उसको क्या करना है, कोई अगर SC है, कोई ST है, कोई OBC है तो उसको कैसे करना है, ये सब आप एक बार इंस्ट्रक्शन सब पढ़ लेना अच्छी तरह। और इसमें ये भी सब लिखा गया है कि रीज़न जो है उसमें भी है कुछ, कि आउटसाइड दिल्ली इनसाइड दिल्ली का भी कुछ है, तो वो सब एक बार ही देख लेना। और बस इतना ही करते हैं आज के लिए, चलिए मिलते हैं फिर, थैंक यू।